नमस्कारम भारत। ऐसे सवालों को देख के अक्सर आपको लगता होगा कि ऐसे सवालों को क्या रियली हम लोग सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर आप इस चैनल पे आए हो तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ऐसे सवाल में बहुत सारे टाइप्स होते हैं और सारे टाइप्स को मैं डिस्कस करूंगा, एक एक करके मैं लेके आया हूँ सवाल, आप देख सकते हो। तो अलग अलग टाइप के लिए अलग अलग तरीका लगता है, बट यस सेकेंड में सॉल्व होगा सवाल, समझना जरूरी है। देखो, ऐसे सवालों को सबसे पहले आपको देखना क्या है कि इसमें प्लस कितने हैं। अगर मान लो जैसे यहाँ पे सभी में आपको प्लस 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 दिख रहा है, राइट? तो इसके लिए सिंपल सा फंडा है, कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पे जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं 2/3, उसको आप सिंपली यहाँ पे लिखोगे 2 3, आपने लिख दिया, ठीक है। अब बस आपको इतना देखना है कि यहाँ पे कितने 1 है, क्योंकि सभी जगह यहाँ पे 1 है, कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं है, ठीक है। ये बात भी ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो कितने 1 है, 1 1 2 3 4 5, 5 1 है अपने पास। 5 1 के लिए क्या करना है, 5 1 के लिए अपने को सिर्फ यहाँ पे 5 डॉट्स लगाने, 1 2 3 4 5, क्लियर? 5 डॉट लगा दिए अपने। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्योंकि यहाँ पे प्लस गिवन है, सभी जगह प्लस है, तो सिर्फ आपको एड ऑन करना है। इससे इसको ऐड करो, 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। उसके बाद आप इससे ऐड करो, कितना हो जाएगा, पीछे वाले से ऐड कर देना है, कितना हो जाएगा, 8। फिर आप इसको पीछे से ऐड करो, कितना हो जाएगा, 13। फिर इसको ऐड करो, 13 से कितना हो जाएगा, 21। फिर इसको ऐड करो, कितना हो जाएगा, 34, क्लियर? 34 आपको दिख गया। अब आपको लगेगा कि अब आगे क्या करें। आगे करने के लिए जो एक्चुअल आंसर है वो आपको ऐसे लिखा जाता है कि आपने लिखना है दिस, यहाँ पे जो नंबर आएगा 34 डिवाइडेड बाय जो पिछला नंबर है, पिछला नंबर कितना है, 21। यही आपका जवाब है, यही आपका आंसर है। ऐसे सवालों को इसी तरीके से किया जाता है, जितने नंबर ऑफ प्लसेस आपको दिखेंगे या फिर माइनस होगा तो मैं बताऊंगा क्या करना है, उतने आपको यहाँ पे डॉट लगाने, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्लस के लिए प्लस करना है। एक को अच्छे से समझो, इसलिए क्योंकि आगे के लिए फिर यही प्रोसेस लगेंगे थोड़े से डिफरेंस के साथ में, और आपको समझ में आएगा कि कैसे सॉल्व करेंगे। अब अगला सवाल आप देखिए, अगला सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट बन गया है। इसलिए डिफिकल्ट बन गया है क्योंकि यहाँ पे क्या है कि वहां पे तो पीछे में सिर्फ प्लस 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 था, है कि नहीं, और वन 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 था। यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे प्लस प्लस तो सेम है, क्लियर, लेकिन यहाँ पे 1 की जगह 3 है, यहाँ पे 1 की जगह 1 है, और यहाँ पे 1 की जगह 2 है। अब क्या करें, अब सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए कि यार इसको हम लोग कैसे सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, प्रोसेस सेम रहेगा, ठीक है, कुछ डिफरेंसेस के साथ में। वो डिफरेंसेस क्या है वो हम समझते हैं। देखो यहाँ पे भी क्या गिवन है, 1/5, तो प्रोसेस वहीं से स्टार्ट होगा जहां से पिछला सवाल हमने शुरू किया था। यहाँ पे क्या है, 1 और 5 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए पीछे हम लोगों ने क्या किया था, पीछे हम लोगों ने डॉट 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 लगाए थे। यहाँ पे काउंट करो कितने नंबर्स है एक्चुअली, यहाँ पे अगर नंबर्स की बात करें जहां पे 1 के पोजीशंस में, यहाँ पे कितने थे, 1 के पोजीशंस में आप बोलोगे यहाँ पे 5 थे, ठीक है, और यहाँ पे 1 के पोजीशंस में कितने हैं, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 3 है अपने पास, तो 3 पोजीशंस यहाँ पे भी बनेंगे, लेकिन यहाँ पे डॉट नहीं आएगा। डॉट क्यों नहीं आएगा, अभी मैं समझाता हूँ। देखो ये मिक्स फ्रैक्शन के प्रॉब्लम्स होते हैं, इसलिए यहाँ पे डॉट नहीं आ सकता है। यहाँ पे जो नंबर यहाँ पे गिवन है ना, बस उसको आपको लिखना है, कितना है यहाँ पे, 2, फिर क्या है, 1, फिर क्या है, 3। ये डॉट के जगह पे हमने लिखे हैं इसलिए ऊपर में है लिखा हुआ, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है, डॉट के ऊपर है, क्लियर। अब डॉट के ऊपर है इसलिए अपने को क्या करना है, यहाँ पे बस अपने आपको इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ में, और इसके साथ में ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है सब जगह, क्लियर है, प्लस का साइन है। थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है समझने में क्योंकि मैंने ओवर राइट कर दिया, बट आप समझो यहाँ पे कि 1 5 2, अब आपको इसे मल्टीप्लाई करना है, 5 से 2 को 10 हो गया, +1 करेंगे कितना हो जाएगा, इस जगह पे आपको 11 लिख देना है। सेम प्रोसेस आपको रिपीट करना है, इन टू करो और इससे ऐड करो, 11 + 5 कितना हो जाएगा, 16 हो जाना है। सेम प्रोसेस यहाँ पे फिर से रिपीट होगा, इन टू करना है और इससे पीछे वाले से ऐड कर देना है, क्योंकि ऐड का आपको एडिशन का साइन दिख रहा है, तो 48 और 11 करेंगे तो 59, ठीक है, 59। अब फिर से वही प्रोसेस है आंसर का, 59/16, ये आपका जवाब है। ऐसे सवालों को अगर आप बेसिक से सॉल्व करने जाओगे बहुत टाइम लग जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा, लेकिन अगर आप तरीका जानते हो तो आपको फटाफट सॉल्व हो जाएगा ऐसे सवाल। अब आपको एक चीज और यहाँ पे समझना इंपॉर्टेंट है, वो मैं यहाँ पे समझाऊंगा आपको। ये देखिए यहाँ पे मैंने जो डॉट 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 लिखा था, क्या मैं इसके जगह 1 1 1 नहीं लिख सकता? अगर मैं इसके जगह 1 1 1 लिखूं तो क्या होगा, इस 1 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और फिर ये ऐड हो जाएगा, आंसर कितना आएगा, आंसर 5 आना है। तो प्रोसेस सेम है, जनरलाइज प्रोसेस कौन सा है, जनरलाइज प्रोसेस ये है जो मैंने अभी बताया आपको, स्क्रीन पे दिख रहा है, ये जनरलाइज प्रोसेस है। पीछे वाला क्या है, थोड़ा सा स्पेशल वर्जन है, एक एक को ना लिख के हमने डॉट 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 लिख दिया,
और डायरेक्टली एड ऑन करते हुए चले गए, क्योंकि हमें पता है कि अगर वन से मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई तो वही नंबर आएगा जिससे वो मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट? तो ये आपको समझ में आ गया कि ये एक्चुअल जनरलाइज प्रोसेस है। यहां तक क्लियर है बात? अब अगला सवाल देखिए, अब थोड़ा सा निगेटिव साइड की ओर जा रहे हैं कि निगेटिव होगा तो क्या करेंगे अपने? प्रोसेस सेम रहेगा क्योंकि क्वेश्चन अभी आपको फिर सेम दिख रहा है। पोजिशंस में वन 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 है, वन 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 पोजिशंस में आपको दिख रहा है, दो और तीन है आपके पास लास्ट में, 2/3, तो 2/3 लिखा मैंने। फिर से यहाँ पे क्योंकि वन 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 है, मैं यहाँ पे चार डॉट लिख देता हूँ, ठीक है? वन लिखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, चार डॉट लिख दिया मैंने। और यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि यहाँ पे बीच में माइनस है। सिंपल सा प्रोसेस, आपने एक को समझा, आगे का जितना प्रोसेस है क्वेश्चन का सब आपके क्लियर हो जाएंगे। इसको आपने माइनस किया कितना हो गया, वन, 3 से 2 गया वन, फिर आपने 1 से 3 को माइनस किया कितना हो गया, आप बोलोगे -2, फिर -2 से आपने -1 को कर दिया तो कितना हो जाएगा -3। अब देखिए -3 से जब आप -2 को माइनस करोगे तो कितना आना है, आना है -1, क्लियर? अब देखिए आंसर क्या होगा, आंसर लिखने का तरीका आप सभी को पता है। यहाँ पे जो टर्म है दैट इज -1 डिवाइडेड बाई सेकेंड लास्ट टर्म दैट इज -3, माइनस से माइनस कट गया, 1/3 इज योर आंसर। आपको समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? सेम प्रोसेस है, सेम तरीका है, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ साइन का फर्क है, ठीक है? साइन का सिर्फ डिफरेंस हो रहा है। अब इसी सवाल में थोड़ा सा और मजेदार बनाते हैं ये सवाल। अब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे नंबर्स भी चेंज हो रहे हैं, साइंस भी चेंज हो रहे हैं, अब हमें कैसे डील करना है। बट यहाँ पे एक जनरलाइज पैटर्न हमेशा देखो, ऐसे सवाल जो आपको एग्जामिनेशन में दिखेंगे यहाँ पे की डिमांड होती है कि जल्दी करना है सवाल को, है कि नहीं? क्योंकि आपको दूसरे से फास्ट काम करना है, तो यहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा दिया हुआ रहेगा जहां पे आप ट्रिक लगा सको। अब देखिए ये पोर्शन की अगर मैं बात करूं तो ये आपको एक जनरलाइज क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। जो आपको पीछे दिखा था कौन सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था, अपने आप में एक जनरलाइज क्वेश्चन है कि नहीं? तो हम लोग इसको एक जनरल तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अपने पास 1 और 4 है, ठीक है? 1 4 लिख दिया, अब अपने को डॉट देने की आवश्यकता नहीं, यहाँ पे अपन लिखेंगे 2 3 और 1, ठीक है? मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8 और 1 करेंगे क्योंकि ऐड है, एडिशन है, तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर 9 से 3 करेंगे, 27 होगा मल्टीप्लाई यहां से यहां तक, और 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। सेम चीज अगर यहाँ भी इंटू करेंगे तो 31 और 9 को ऐड करेंगे, इंटू करेंगे तो कितना हो जाना है, 40 हो जाना है। अब देखिए आंसर आपको कितना दिख रहा है, इस पोर्शन का आंसर कितना दिख रहा है, इस पोर्शन का आंसर आपको दिख रहा है 40/31, बट ये आपका आंसर नहीं है, ये आपको दिखेगा, आपको ऑप्शन में देखना, एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आते हैं ना उन्हें पता है कि आप मिस्टेक पॉइंट क्या करते हो, ये पॉइंट आपको दिखेगा ऑप्शंस में, ये ऑप्शंस भी आपको दिखेगा 40/31, और जैसे ही आपको सॉल्व होगा टाइम के प्रेशर में आप फट से उस ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आगे निकल जाओगे, ये मिस्टेक पॉइंट है। आपको क्या करना है, यहाँ पे आगे सवाल को देखना है, आगे सवाल क्या कहता है, 4 - 5 डिवाइडेड बाई 40/31, तो यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 31 हो जाना है, इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये आपको दिख रहा है 40 - 155 हो जाएगा ऊपर में, डिवाइडेड बाई 40, एंड व्हेन यू विल सॉल्व दिस यू विल गेट 5/40 व्हिच इज नथिंग बट 1/8, और ये आपका आंसर होगा। आपको ख्याल रखना है इस बात का, समझ में आया कहाँ पे मिस्टेक पॉइंट्स होते हैं, मैंने साथ में मिस्टेक पॉइंट्स भी कवर कर दिया ताकि एग्जामिनेशन में अगर आप ऐसे सवालों से टकराते हो तो आप भिड़ जाओगे, लड़ जाओगे, जोश में रहोगे, ऐसे नहीं कि घबरा के पीछे हट जाओगे, क्लियर? अब देखिए अब एक लास्ट सवाल है, ये सवाल भी कहीं ना कहीं पिछले सवालों से रिलेटेड है, बट थोड़ा सा आपको हेल्पफुल लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा और बेसिक मिस्टेक पॉइंट भी होते हैं। अब देखिए सवाल तो वही है जो पीछे हमने सॉल्व किया, सेपरेटली सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पे हमने इसे लिखा 1, ठीक है, 7, क्लियर? ऊपर पे कितना लिखना है आपको, 2 लिखना है, 3 लिखना है। वैसे ये सवाल छोटा है, माइंड यू ये सवाल छोटा है, आप चाहो तो इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो, बट मैं ट्रिक से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, आपको भी ट्रिक से ही करना चाहिए। आपको मल्टीप्लाई करनी है यहाँ पे और फिर यहाँ पे माइनस करना है कि नहीं? तो 7 2 13 14 और -1 करेंगे तो 13, ठीक है? फिर यहां से मल्टीप्लाई करो, 13 3 39 और 7 को आपको माइनस करना है तो कितना हो जाएगा, 32। आंसर आपको कितना दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ का आंसर 32/13 है, ये ध्यान रखो। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन में आपको ये ऑप्शन दिखेगा मगर आपको टिक नहीं करना है इसको, क्योंकि आपको पता है कि दिस इज नथिंग बट 1/32/13, जहां पे कि आपका आंसर होगा 13/32, इसका रिवर्स होगा आपका आंसर। उम्मीद करता हूं कि यहां तक सारी चीजें आपको समझ में आ गई, और इससे ज्यादा ऐसे सवालों में कोई सवाल ही नहीं बनता, ठीक है? तो आप किसी भी एग्जामिनेशन में चले जाओ, कैसे भी एग्जामिनेशन में चले जाओ, सवाल ऐसे ही आएंगे,
ट्रिक पता होगी तो फटाफट सवाल बन जाएंगे। और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, चैनल आपको हेल्पफुल लग रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना और साथ में सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से रिलेटेड पढ़ाया भी जाता है, पहली चीज, इंफॉर्मेशन भी दी जाती है, कोई गलत इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्पैम नहीं किया जाता है, क्लिक बेट्स नहीं होती है, ठीक है। तो अगर आपको चैनल समझ में आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जाना, वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। टिल देन बाय बाय, बहुत जल्द मुलाकात होगा। जय हिंद।